हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पीडीएफ फाइल बनाएंगे और फिर कैसे उस पीडीएफ फाइल को हम किसी को, अगर मेरे को मेल में सेंड करनी है वो पीडीएफ फाइल, तो कैसे हम उस पीडीएफ फाइल को किसी को मेल में सेंड करते हैं फिर, या फिर हम उसको व्हाट्सएप के थ्रू भी पीडीएफ फाइल को सेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब मैं किसी को 4-5 फोटो सेंड करता हूँ तो जो मेरे पास फोटोज की क्वालिटी होती है व्हाट्सएप पे, तो वो जो मेरी क्वालिटी होती है फोटोज की वो बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए हमको पीडीएफ फाइल में 4-5 फोटो को एक पीडीएफ फाइल में एज अ डॉक्यूमेंट फाइल उसको सिलेक्ट करके उसको सेंड कर सकते हैं फर्दर व्हाट्सएप या फिर मेल के थ्रू सेंड करेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ पूरी वीडियो में। इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे हम उन फोटोज को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और फिर कैसे उस पीडीएफ को फर्दर मेल में सेंड। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी गैलरी में जाना है। फ्रेंड्स, गैलरी में जाने के बाद फ्रेंड्स आपने जो फोटो कैप्चर किए हुए हैं, आपने जो फोटो खींचे हुए हैं और उनको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने उन फोटोज़ का क्या करना है, अच्छे तरीके से उनको फोकस करके, उनको कैप्चर करके, उनको अच्छे तरीके से क्रॉप कर लेना है। फ्रेंड्स, क्रॉप करने के बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपने फोटोज़ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉप करके मैंने तैयार रखे हुए हैं, तो मैं इनको डायरेक्ट आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके बताऊंगा कि कैसे हम इनको एज अ डॉक्यूमेंट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको क्रॉप करके एक अच्छे तरीके से आपने बॉक्स में बना लेना है। तो सबसे पहले मैंने ये तैयार रखे हैं, तो मैं आपको इनको करके दिखा देता हूँ पहले। तो सबसे पहले आपने किसी भी एक फोटो में जाना है। फोटो में जा लेने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेंड का ऑप्शन दिख रहा है, जैसा कि मैं यहाँ पे इसको दबा लेता हूँ, तो यहाँ पे सेंड के ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कन्वर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है। कन्वर्ट टू पीडीएफ में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आएगा सेलेक्ट पिक्चर्स। सेलेक्ट पिक्चर्स में जाके आपको सेलेक्ट पिक्चर्स सेलेक्ट करनी है, वो पिक्चर सेलेक्ट करनी है जो आप पीडीएफ फाइल में ऐड करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात का आप ध्यान रखें कि आपने अपने पीडीएफ फाइल में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर में ऐसे सिक्वेंस वाइज कि कौन कौन सा आपने फोटो पहले नंबर लगाना है, दूसरे नंबर लगाना है, तीसरे नंबर लगाना है, आप यहाँ से देख के लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने, मैंने ये वाला फोटो पहले नंबर पर लगाना चाहता हूँ, तो इसको मैं एक सेलेक्ट कर दूंगा, इसको दो कर दूंगा, इसको तीन कर दूंगा, इसको चार कर दूंगा, इसको पाँच कर दूंगा, इसको छः कर दूंगा। इन छः फोटोज़ को मैं पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास प्रीव्यू देख रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहले नंबर पे ये वाला फोटो आया जो मैं लगाना चाहता हूँ, दूसरे नंबर पे ये आया, तीसरे नंबर पे आया, कि ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट सेलेक्ट करूंगा और मेरी फाइल जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए। फ्रेंड्स, कन्वर्ट करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कि मैं यहाँ पे इसमें सेव किस में करना चाहता हूँ, तो मैं अपने माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ उसको। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपना कि मैंने पीडीएफ फाइल बना दी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स। आप यहाँ पे अपनी पीडीएफ फाइल का नाम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 01 दे देता हूँ नाम डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक्सपोर्ट टू पीडीएफ इसको फिर पीडीएफ में मैं कन्वर्ट कर चुका हूँगा, ये जी सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एज अ डॉक्यूमेंट फाइल मेरी बन चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि देखिए पहले नंबर पर ये वाला फोटो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे जो मेरे फोटोज़ हैं वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मेरी एक पीडीएफ फाइल बन चुकी है। अब इस पीडीएफ फाइल को हम कैसे फर्दर किसी को सेंड कर सकते हैं मेल के थ्रू, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपने जीमेल में जाना है। अब आपने किसी को मेल भेजनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये पेंसिल दिख रहा होगा, यहाँ पर लास्ट में आपको यहाँ पे रेड कलर इस पर प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ लिखना है कि आप अपनी मेल से किसको सेंड करेंगे, जिसको आपने सेंड करना है उसकी मेल यहाँ पर लिखेंगे। सपोज़ मैंने इस मेल पे मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेंड करना है, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखेंगे रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे आप रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स लिखने के बाद यहाँ पे कंपोज में आप लिख सकते हैं उनको, जो भी आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं पीडीएफ सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स लिखने के बाद आपको यहाँ पे एरो के पास एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे अटैच फाइल का। तो अटैच फाइल में जाने के बाद हमने जहाँ पे फाइल सेव की थी आपने वहाँ से फाइल उठानी है। जैसा कि यहाँ पे मैंने फाइल मैनेजर में माई डॉक्यूमेंट में मैंने फाइल सेव की थी, तो आप फाइल मैनेजर में जाएंगे। फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स में मैंने डॉक्यूमेंट 01 के नाम से फाइल सेव की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट 01 पे यहाँ पे आपको इस लाइन में आपको डॉक्यूमेंट 01 की फाइल आपको दिख जाएगी यहाँ पे, जो आपने सेव की थी तब डॉक्यूमेंट फाइल बनाई थी। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच हो चुका है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब अगर मैंने और भी डॉक्यूमेंट यहाँ से अटैच करना हो तो यहाँ से मैं अटैच कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने फोटो भी भेजना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके अटैच फाइल में जाके आप यहाँ से फोटो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी का। तो फ्रेंड्स, मैं यही डॉक्यूमेंट सेंड करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एरो दिख रहा है आपको, आपको जैसे ही इस एरो को आप प्रेस कर देंगे आपकी जो ये पीडीएफ फाइल है इस मेल पे चले जाएगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं
यहाँ पे आ रहा है सेंडिंग ऑप्शन। अब ये जो मेरी मेल है वो सेंड हो चुकी है फ्रेंड्स। अगर आपने देखना है कि फर्दर आपकी जो मेल जो है वो सेंड हो गई है या नहीं हुई है, तो आप यहाँ पे सेंड पे जाएंगे। सेंड पे आपको दिख जाएगा कि आपने अभी तक कितनी मेलें किस मेल पे भेजी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट जो है वो राहुल देव सिंह ने राहुल ठाकुर इस मेल पर जो है वो सेंड कर दी है। तो फ्रेंड्स ये था हम कैसे अपनी PDF फाइल को बना सकते हैं किसी को सेंड करने के लिए। अगर हमने 3-4 फोटो इकट्ठे सेलेक्ट करने हैं, इकट्ठे उसको सेंड करने हैं, तो हम कैसे उसको PDF फाइल में कन्वर्ट करके उसको सिंपल एक फाइल उसको सेंड कर सकते हैं, और फिर उसको कैसे हम PDF फाइल को मेल के थ्रू किसी को सेंड कर सकते हैं किसी के मेल पे। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको व्हाट्सएप में भेजना चाहें तो हम इसको व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपकमिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।